गृह मंत्रालय की जम्मू कश्मीर के लिए नई योजना, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी। यूपी के लिए कांग्रेस की एक और प्रतिज्ञा, प्रियंका गांधी का ऐलान, सरकार बनी तो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। 10 दिन में दूसरी बार काशी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कल जनसभा को करेंगे संबोधित। गोवा के केजरीवाल ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा पार्टी का 1% भी वोट शेयर नहीं। रालोद में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण पाल सिंह, लंबे समय बाद हुई घर वापसी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले बिल लोकसभा में पेश, वहीं टीएमसी ने किया विरोध। पीएम के प्रोग्राम के बाद रो पड़ी हेमा मालिनी, धक्का मुक्की से निकला आंसू, भाजपा एमएलसी पुलिस अफसर से बोले हीरोइन ही तो है, मिलने दीजिए। पीएम के कार्यक्रम में लापरवाही पर दारोगा समेत 7 सस्पेंड। भाजपा ने पालिका का घिराव कर किया प्रदर्शन, निविदा शुल्क 500 रुपए की जगह 1500 रुपए किया, वहीं टेंडर में भी थी गड़बड़ी। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म, लोकसभा के बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भारत में पिछले 24 घंटे में 56,79,395 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। चुनाव सुधार की दिशा में ठोस पहल, पहचान पत्र को आधार से जोड़ने जा रहे हैं आयोग। आतंकी साजिश नहीं था रोहिणी कोर्ट का ब्लास्ट, डीआरडीओ साइंटिस्ट ने वकील से बदला लेने के लिए रचा था खौफनाक प्लान। सीईओ के घर घुसकर बदमाशों ने की लूटपाट, सीसीटीवी में हुआ कैद, पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। धोखाधड़ी के आरोप में फिल्म निर्माता प्रयाग सांघवी को ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। हरियाणा और दिल्ली में 116 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर बिहार के मुंगेर से हुए गिरफ्तार। लखनऊ टीम का एक और बड़ा धमाका, पूर्व क्रिकेटर विजय धैया को बनाया असिस्टेंट कोच। टेस्ट सीरीज में बन सकते हैं कई बड़े रिकॉर्ड, कपिल देव को पीछे छोड़ सकते हैं रविचंद्र अश्विन। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट ने किया अपनी ग्लैमर गैंग के साथ जमकर डांस, दोस्त की शादी में इतनी खूबसूरत दिखी एक्ट्रेस। गोवा में गुलाब का फूल पकड़े दिखी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर।